जिला उप सूचना स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता पटेल ने बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित कोविड कंट्रोल रूम में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा कोविड से ठीक हुए मरीजों से उनकी बात कराकर उन्हें उत्साहित भी किया जा रहा है। सुनीता पटेल ने बताया कि जनपद में कोविड कंट्रोल रूम पूरी तत्परता से काम कर रहा है, जिसे पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिलने जा रहा है। इसके पूर्व के कोविड काल में कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को दूसरा स्थान मिला था और जिलाधिकारी द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी किया गया। फिलहाल कंट्रोल रूम से लगातार होम आइसोलेशन के मरीजों को दवाओं के साथ अन्य सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा, मेरा नाम सुनीता पटेल, डिप्टी DHIO गोरखपुर। इसमें जैसे होम आइसोलेशन पेशेंट को यहाँ से कोविड कमांड सेंटर से टीम बनी हुई है, वो लोग कॉल करते हैं और पूछताछ करते हैं। फ़ोन करके पहले तो जानकारी देते हैं कि हम कोविड कमांड सेंटर से बोल रहे हैं और उसमें ये जैसे पूछा जाता है कि आपका क्या लक्षण है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, सर्दी खांसी बुखार, उसके अलावा फिर SpO2 पूछा जाता है कि कितना है, उसके अलावा पूछा जाता है कि उसने CBC CRP कराया या नहीं कराया और उनको दवा मिला या नहीं मिला। डॉक्टर की टीम उनके वहाँ गई या नहीं गई, घर सैनिटाइज हुआ या नहीं हुआ, तो ये सारी जानकारी ली जाती है और जो उनको सुविधा नहीं प्रोवाइड रहता है वो सुविधा तत्काल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा जैसे एक कोविड चैंपियंस की टीम बनी हुई है, कोविड चैंपियंस वो होते हैं जो लोग पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो गए होते हैं, तो उनकी टीम बना के भी होम आइसोलेशन पेशेंट को कॉल कराया जाता है, क्योंकि वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। ज़्यादातर तो देखा जाता है बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जब भी पॉजिटिव उनका आता है रिजल्ट, तो इस कोविड चैंपियंस को लाने का उद्देश्य यही है कि वो अपना अनुभव शेयर करके बताएं कि वो भी पॉजिटिव हुए थे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए हैं होम आइसोलेशन के दौरान ही। तो उसमें जैसे प्रदेश स्तर पे उनको प्रशिक्षित किया गया है, यूनिसेफ लखनऊ से प्रशिक्षित करती है जूम के माध्यम से, तो उसमें उनको अपना अनुभव भी शेयर करना रहता है, कुछ फ्लायर दिया गया है वो शेयर करना रहता है। फ्लायर का मतलब ये रहता है कि उसमें उनके परिवार के लोग क्या सतर्कता बरतेंगे और उनको कैसे रहना है, जैसे हवादार कमरा रहे, उनका तौलिया अलग रहे, उनका बर्तन अलग रहे, फिर जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका अलग होना चाहिए, और जो जो उनका टेयर केकर है वो भी उनको भी पूरी सतर्कता बरतते हुए वो उनका ख्याल रखें। और ये उस फ्लायर के माध्यम से तो ये भी बताया जाता है कि वो अपना काम स्वयं करें या सक्षम हो, ये नहीं सक्षम है तो परिवार का कोई केयर टेकर बने और वो जो भी केयर टेकर रहे वो पूरी सतर्कता के साथ उनकी देखभाल करें। पिछले बार देखिए 52 लोगों की टीम बनी हुई थी, 52 कोविड चैंपियंस हमने बनाया था प्रयास करके, और लोग तैयार हुए, काफ़ी अच्छा काम भी किए। कुछ लोग जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना अनुभव शेयर किए, कुछ लोग वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव शेयर किए। उसमें DM सर का वीडियो जारी हुआ था, DM सर को भी प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया, उनका वीडियो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर प्रसारित किया गया था। तो जैसे टेली कॉलिंग किए थे उसमें 7 लोग काफ़ी अच्छा काम किए थे और उनको प्रदेश स्तर पर सम्मानित हुआ था। मैं चूँकि कार्यक्रम की नोडल थी तो मुझे भी सम्मान प्रमुख सचिव द्वारा मिला था। ये प्रदेश स्तर पर हम लोगों का गोरखपुर का स्थान दूसरा था, मंडल में सिर्फ गोरखपुर जनपद को मिला था। इस साल भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोविड चैंपियंस के जरिए
होम आइसोलेशन पेशेंट को कॉल कराया जा रहा है। अभी जो गोरखपुर का रैंक चल रहा है वो प्रदेश में पहला स्थान पे चल रहा है। इसमें कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो रैंक चल रहा है इसको हम लोग आगे तक बरकरार रखेंगे और प्रदेश में इस बार पहला स्थान पे ही रहेगा गोरखपुर।